दही बड़ा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे उड़द को लिया है। ये गोटा वाले उड़द हैं। आप चाहें तो उड़द के दाल को भी ले सकते हैं और इसे 2 से 3 घंटा के लिए पानी में भिगो कर रख दें और एक्स्ट्रा पानी निकाल करके हम इसे पीस लेंगे। तो इसे बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाएंगे, हल्का सा इसे हम दरदरा ही रखेंगे और इसमें बहुत ही कम पानी का यूज करके इसे हम पीस लेंगे। और यहाँ पर 1 चम्मच के करीब काली मिर्च है, 3 हरा मिर्च और कुछ अदरक के टुकड़ा है। इसे हम हल्का सा दरदरा पीस लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसे मैंने पीस लिया है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो उड़द को मैंने पीसा था उसी में ये वाला जो मसाला है इसे हम डाल देंगे। ये ऑप्शनल है लेकिन इसमें जब आप उड़द में डालेंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेगा। और अब हम क्या करेंगे कि इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक। तो इसमें अभी हल्का नमक डाल दें और इसी में डाल देंगे बस 1 पिंच के करीब ये हींग। तो इसमें हींग को आप ज़रूर डालें और इसे हम क्या करेंगे अच्छी तरह से हम फेंट लेंगे। तो हम इसे हाथों से अच्छी तरह से फेंटेंगे। इसे आप जितनी अच्छी तरह से फेंटेंगे आपका दही बड़ा उतना ही अच्छा बनेगा। तो आप इसे 2 मिनट लगातार अच्छी तरह से फेंट लें। इसे फेंटने के बाद आपको लगने लगेगा कि बहुत ही हल्का हो गया है। ये देखिए ये बहुत ही अच्छी तरह से फ्लफी हो गया है। तब हम क्या करेंगे यहाँ पर थोड़ा सा बारीक कटा हुआ किशमिश और काजू को डाल देंगे। ये ऑप्शनल है लेकिन इसमें आप डालेंगे तो ये बहुत ही टेस्टी आपका जो दही बड़ा है लगेगा। इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, मिला लें सभी चीज़ों को और इसे अब हम साइड में रख देंगे। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर मैंने पानी को बैठा दिया है और इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक। तो नमक को हम थोड़ा ही डालेंगे और पानी को हम अच्छा सा गर्म कर लेंगे, इसे बॉयल नहीं करेंगे। तो यहाँ देखिए हमारा पानी है गर्म हो गया है। अब हम इसे ढक देंगे। तो इसे ढक करके साइड में रख दें और यहाँ पर मैंने कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल रख दिया है, इसे गर्म होने देंगे। यहाँ आप दही बड़े को मस्टर्ड ऑयल में बनाएं तो दही बड़ा आपका बहुत ही टेस्टी लगेगा। वैसे आपकी इच्छा, अगर वाइट ऑयल में भी बनाएंगे तो भी आपका दही बड़ा बहुत ही अच्छा बनेगा। और दही बड़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर छन्नी को लिया है। छन्नी को हल्का सा पानी से इसे ग्रीस कर देंगे और इसके ऊपर हम ये बैटर डाल देंगे। जो बैटर मैंने उड़द का बनाया था उसे डाल दें और हाथों में थोड़ा सा पानी लगाकर बीच में से होल कर लेंगे। यहाँ पर इस तरह छेदा कर लें और हम बहुत ही आस्ते इसे तेल में डाल देंगे। तेल हमारा हल्का गर्म होना चाहिए। और ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से ये हमारा दही बड़ा बन गया है, यानी बड़ा बन गया है। तो फिर से वही प्रोसेस करें, पानी से छन्नी को इस तरह ग्रीस कर लेंगे और बैटर डालेंगे और फिर पानी के सहायता से इसे बीच में होल कर लेंगे और फिर इसे हम तेल में डाल देंगे। तो ये देखिए अगर आप छन्नी से बनाना चाहते हैं बड़ा को तो आप ऐसे बनाएं, वरना आप हाथों से बनाना चाहते हैं तो इसे इस तरह से बनाएं। हाथों में थोड़ा सा पानी लगाएंगे और हम थोड़ा सा बैटर डाल देंगे और इस तरह हल्का सा फैला लेंगे बैटर को और पानी से हम इसे होल कर लेंगे। थोड़ा सा हाथ में पानी लगाएं और इसे होल कर लें और हाथों में थोड़ा सा पानी लगा करके इसे दूसरे हाथ में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसे हम कढ़ाई में डाल देंगे। तो ये देखिए ये भी प्रोसेस जो है बहुत ही इजी है। बस हल्का सा हाथों में पानी लगाया और बैटर को हम डाल देंगे और एक आप उंगली को पानी से इस तरह डिप करें और इसे होल कर लें और इसे अब दूसरे हाथों में लेकर के इसे तेल में हम डाल देंगे। ये देखिए तो आपको जो प्रोसेस इजी लगे उसे बना लें। तो इसे मैं अभी हाथों से ही बना रही हूँ इस तरह। ये देखिए तो मैंने यहाँ पे कुछ दही बड़े को डाल दिया है और गैस को लो टू मीडियम रखेंगे और इसे बिल्कुल अच्छी तरह से एक तरफ जब गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसे उलट पलट कर हम दोनों तरफ से इसे हल्का सा ब्राउन कर लेंगे। गैस को हम बिल्कुल हाई नहीं करेंगे। इस बड़े को बहुत अच्छी तरह से क्रिस्पी फ्राई कर लें। इस बड़े में मैंने बहुत सारे मसालों को डाला है तो एक बड़ा को आप ऐसे भी खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेगा। आप इस बड़े को 2 से 3 दिन तक फ्रिज में बना करके रख भी सकते हैं। आपको जब इच्छा हो तो इसे दही में डाल कर खा लें। तो यहाँ देखिए हमारा जो दही बड़ा है
एकदम ब्राउन हो गया है, इससे ज़्यादा हम फ्राई इसे नहीं करेंगे और इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे और सारे दही बड़ा को हम ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पर जो मैंने पानी को रखा था, ये पानी भी बहुत ही गर्म है, इसे में हम दही बड़ा को डाल देंगे। ध्यान रहे कि पानी गर्म होना चाहिए, अच्छा गर्म होना चाहिए। अगर आपका पानी ठंडा हो गया हो तो पानी को गर्म कर लें और इसे 15 से 20 मिनट के लिए हम ऐसे ही छोड़ देंगे। 15 से 20 मिनट के बाद देखिए हमारा जो दही बड़ा है बिल्कुल साइज में बड़ा हो गया है और ये बहुत ही सॉफ्ट हो गया है, ये देखिए। तो इसका हम हल्का सा इस तरह पानी को निकाल लेंगे, बहुत ही हल्के हाथों करें क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट है। तो इसे एक प्लेट में निकालते जाएं, हम सारे दही बड़ा को निकाल लेंगे। और यहाँ पर मैंने दही को रखा है, दही जब भी आप लें तो फ्रेश दही लें। तो दही को इस तरह हम फेंट लेंगे, इसमें पानी वगैरह डालने का जरूरत नहीं है। तो ये देखिए हमारा जो दही है मैंने इसे फेंट लिया है। इसमें हम डाल देंगे चीनी, तो यहाँ मैंने पीसा हुआ चीनी को डाला है, तो 1.5 चम्मच के करीब हम यहाँ चीनी को डाल देंगे। इसे भी मिला लें और इसी के साथ हम डाल देंगे इसमें थोड़ा सा नमक, तो यहाँ पर बहुत थोड़ा नमक डाल दें और इसे भी हम मिला लेंगे। तो ये देखिए हमारा दही है बिल्कुल बनके रेडी है, ये ज़्यादा पतला भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि एक बाउल लेंगे, या आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने बाउल में दही को डाल दिया, जो दही को मैंने फेंटा था। किसी भी बड़े बर्तन में दही को ले लें और एक हम दही बड़ा को लेंगे और दही में उसे अच्छी तरह से डिप कर लेंगे, इस तरह डिप कर लें और एक प्लेट में हम इसे रख लेंगे। इस तरह हम दही को अच्छी तरह से इसे लपेट लेंगे दही बड़ा को और एक प्लेट में इसे रखते जाएंगे। तो सारे दही बड़ा को हम ऐसे ही दही लगा करके एक प्लेट में रखते जाएंगे। तो यहाँ मैंने सारे दही बड़ा को एक प्लेट में रख लिया है और ऊपर से थोड़ा सा हम और दही को डाल देंगे। दही बड़ा है तो इसमें दही को आप जितना इच्छा उतना डालें और इसमें हम ऊपर से डाल देंगे भुना हुआ पीसा जीरा, हल्का ही डालें। अब ऊपर से और डाल दें, लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और डाल देंगे हम यहाँ पर काला नमक, तो काला नमक को भी डाल दें। ये बहुत ही टेस्टी लगता है दही बड़ा में। और यहाँ पर हम डाल देंगे ये धनिया पत्ता, अदरक, मिर्चा और नींबू का चटनी। तो ऊपर से ये धनिया पत्ता का चटनी को तो आप ज़रूर डालें और इसमें हम डाल देंगे इमली की चटनी। तो इमली का चटनी भी इस तरह हम डाल देंगे ऊपर से। तो यहाँ मैंने इमली की चटनी को डाल दिया है और इसमें अब हम कुछ भी नहीं डालेंगे। तो यह हमारा बहुत ही टेस्टी खट्टा मीठा तीखा दही बड़ा बन के रेडी है, ये देखिए। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको खट्टा मीठा दही बड़ा पसंद नहीं हो तो आप इस तरह सर्व करें। दही बड़ा में हम डाल देंगे ये लाल मिर्च पाउडर, तो लाल मिर्च पाउडर को थोड़ा सा इस तरह सर्व करेंगे। तो ये देखिए ये भी बहुत आसान है। और ऊपर से हम डाल देंगे इस तरह ये भुना हुआ पीसा जीरा। वैसे आप दही बड़े को जैसे चाहे वैसे सजा सकते हैं, मैंने इस तरह से सजाया है। तो आप दही बड़ा को इस तरह एक बार सजा के देखें, आपको खाने में भी अच्छा लगेगा और देखने में भी। और ऊपर से हम डाल देंगे यहाँ पर ये काला नमक। तो यहाँ देखिए मैंने दो तरह से इसे सर्व किया है, तो आपको जो पसंद हो वैसे सर्व करें और खाएं। ये कितना सॉफ्ट बना है मैं आपको अभी काट करके दिखाती हूँ, ये देखिए। तो आपको पता चल रहा होगा काटने से ही ये कितना सॉफ्ट बना है। तो हमारा दही बड़ा है बहुत ही सॉफ्ट बना है, देखने में जितना टेस्टी है उतना खाने में भी। तो मैं अभी आपको खा करके दिखाती हूँ कि कितना टेस्टी भी बना है। तो ये बहुत ही टेस्टी दही बड़ा बना है, तो आप इस होली में ज़रूर ट्राई करें।